Zoom Iskoteko. Zoom Iskoteko. अक्षय करीना की कम वक्त इश्क हो गई है कम वक्त हिट, और इसकी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए फिल्म की पूरी स्टार कास्ट और कई बॉलीवुड स्टार्स ने की एक शानदार पार्टी। वहीं फिल्म क्रिटिक्स जो पहले ही इस फिल्म को नकार चुके हैं आज भी अपने स्टैंड पर कायम हैं, लेकिन इन स्टार्स को इस बात से कोई मतलब नहीं। उन्होंने तो सेलिब्रेट की कम वक्त इश्क की जबरदस्त सक्सेस। आखिर फिल्म ने 3 दिनों में 60 करोड़ रुपए जो कमाए हैं, वैसे भी पैसा बोलता है। कुछ खास दम नहीं होगा, सबकी इंडिविजुअल अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। आई रियली डोंट थिंक कि इस फिल्म में ऐसी कोई खास बात है। जैसे मैंने कहा कि पैसा बोलता है। अक्षय कुमार और करीना कपूर स्टारर मेगा बजट फिल्म कम वक्त इश्क की सक्सेस ने शुरू कर दी है बॉलीवुड में एक नई जान। फिल्म क्रिटिक्स जो कम वक्त इश्क की बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ है अक्षय कुमार, करीना कपूर, साजिद नाडियाडवाला और बॉलीवुड में अक्षय के दोस्त। फिल्म में कुछ खास दम नहीं होगा, सबकी इंडिविजुअल अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। आई रियली डोंट थिंक कि इस फिल्म में ऐसी कोई खास बात है। जैसे मैंने कहा कि पैसा बोलता है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट तो यही है ना कि इसमें कोई स्टोरी ही नहीं है। We are happy because money comes home. I think ये तो मार्केटिंग डिसीजन था। सक्सेस पार्टी उन्होंने जो कहना था उन्होंने कहा, बॉक्स ऑफिस में जो रिजल्ट आना था बॉक्स ऑफिस में आया। जिनको अब तक पता नहीं चला है कि फिल्म हिट हुई है, उनके हिसाब से उनको बताने के लिए कि फिल्म हिट हुई है। ऑडियंस ने 5 स्टार दिया है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है हिंदी फिल्मों का कि स्टोरी में बिल्कुल ध्यान नहीं करते। आई डोंट रीड न्यूज़पेपर्स टू सी मूवीज, आई मीन आई गो एंड मेक माय ओन डिसीजन, ऑडियंसेस हैव मेड देयर डिसीजन। बेसिक चीज जो है स्टोरी लाइन अगर वो ही नहीं है तो फिर ऑल दीज एक्स्ट्रा थिंग्स से कुछ नहीं बनता है। We think keeping those 100 crores people in mind, not keeping 15 people in mind. लेकिन इस बहस से ना तो कोई असर पड़ा कम वक्त इश्क को और ना ही फिल्म के स्टार्स को। वो तो मदमस्त हैं कम वक्त इश्क के रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी से और जी भर के सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस ह्यूज सक्सेस को। अरे भाई, 3 दिन में पूरी दुनिया से 60 करोड़ रुपए जो कमा लिए हैं कम वक्त इश्क ने, और इसीलिए रखी गई मुंबई के एक 5 सितारा होटल में एक स्टार स्टडेड पार्टी टू सेलिब्रेट द सुपर सक्सेस ऑफ कम वक्त इश्क। और इस पार्टी में फिल्म के लीड एक्टर्स अक्षय और करीना, प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के अलावा बॉलीवुड की कई हस्तियां भी शामिल थी। इन्हीं स्टार्स में कटरीना भी शामिल थी, पीछे सलमान खान भी आए। लेकिन चौंकने वाली बात यह है कि कटरीना सलमान के साथ नहीं बल्कि डिजाइनर रॉकी एस के साथ आई। स्ट्रेंज, भले ही कटरीना सलमान के साथ ना आई हो मगर अक्षय के लिए उनके पास तारीफों की कोई कमी नहीं थी। He's done 4 films with him, so obviously he's a wonderful co-star and obviously it's a party for him tonight, so I just wanted to be here to support him. लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो थे अक्षय और करीना, आखिर कम वक्त इश्क कम वक्त हिट जो बन गई है। इंडस्ट्री में बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ही सक्सेसफुल माना जाता है। और तो और अपने पति की जबरदस्त कामयाबी से ट्विंकल खन्ना भी बेहद खुश नजर आई। आई थिंक इट्स फैबुलस, आई मीन इफ पीपल वांट टू सी हिम एंड ही पुल्स इन द क्राउड देन आई गेस वी आर हैप्पी बिकॉज़ मनी कम्स होम, वी आर हैप्पी बिकॉज़ मनी कम्स होम। लेकिन इस पैसे पर अक्षय के कई दोस्तों की भी नजर है जो ये चाहते हैं कि किसी तरह ये पैसा उन्हें मिल जाए। काश वो सब पैसे मेरे घर आ जाते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3 दिन में इतना पैसा कमाया कैसे कम वक्त इश्क ने। इसका जवाब हमें देंगे फेमस ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा और इंदु मिरानी। लेकिन इसका प्रमोशन, इसका म्यूजिक, ये सब भी मायने रखते हैं और ये पूरा पैकेज बहुत अच्छा दिख रहा था। ये देखिए, ये दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग प्लॉय। अगर आप फिल्म के बहुत सारे प्रिंट्स रिलीज करो और बहुत सारे प्रिंट्स बहुत सारे शोज में चले मल्टीप्लेक्सेस में, जैसे तो एक बार भी अगर सब लोग देखे ना तो फिल्म ऐसी ऐसे पैसे बना। वाह भाई वाह, क्या फंडा है, ताबड़तोड़ रिलीज करो। आई मीन ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स में फिल्म को रिलीज करो और आपकी फिल्म की सक्सेस पक्की जमेगी जनाब। फिर भले ही फिल्म कितनी भी बुरी क्यों ना बनी हो, कितने भी बुरे रिव्यूज क्यों ना आ रहे हो, लेकिन अक्षय करीना की जोड़ी देखने के लिए दर्शक एक बार फिर सिनेमा घरों में चले ही आएंगे। लीजिए निकल गई लागत और कमा लिए 3 दिनों में 60 करोड़ रुपए। लेकिन इन सितारों को नहीं है कोई भी मतलब इस सच्चाई से, ये तो बिजी हैं कम वक्त इश्क की सक्सेस को सेलिब्रेट करने में। कोई यहाँ अक्षय से अपनी दोस्ती की खातिर आया तो कोई साजिद नाडियाडवाला के लिए यहाँ आया, और इन्हें नहीं है कोई मतलब क्रिटिक से और उनके रिव्यूज से।
क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि भाई पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। फॉर गौरव दुबे एंड पारस कोठारी, जू मुंबई।